पॉडकास्ट 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 यूट्यूब पे आपने ऐसे पॉडकास्ट वीडियो तो देखे ही होंगे। लोग इन्हीं पॉडकास्ट में से शॉर्ट बना बना कर मिलियंस में व्यूज ला रहे और अपने चैनल को ग्रो कर रहे और पैसे भी कमा रहे। हम बहुत ही बेसिक स्टेप्स में देखेंगे कि कैसे पॉडकास्ट वीडियो इंटरव्यू वीडियो को शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और यह भी देखेंगे कि कैसे AI की मदद से ऑटोमेटिक कैप्शन जनरेट कर सकते हैं और फिर देखेंगे कि कैसे कैप्शन को दो कलर में कर सकते हैं। हम 3 स्टेप्स में बताएंगे कि कैसे लॉन्ग पॉडकास्ट को शॉर्ट में बना सकें। स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट वीडियो। वीडियो सिलेक्ट करने के लिए हम आ जाते हैं YouTube पे और यहाँ सर्च बार में सर्च करना है हिंदी पॉपुलर पॉडकास्ट या फिर किसी इंटरव्यू या संदीप माहेश्वरी शो को भी ले सकते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ नीचे आकर जो वीडियो आपको अच्छा लगे उस वीडियो का लिंक कॉपी करके गूगल से डाउनलोड कर लेना है। स्टेप नंबर 2, वीडियो एडिटिंग। इतना करने के बाद कोई भी एडिटिंग ऐप जैसे काइनमास्टर, VN, इनशॉट या कैपकट, आप जिसमें अपना वीडियो एडिट करते हो उसमें अपने वीडियो को ओपन कर लेना है। तो मैंने अपने वीडियो को कैपकट में ओपन कर लिया है। अब यहाँ से अपना मेन प्रोसेस शुरू होता है। अगर आप भी अपना वीडियो कैपकट में एडिट करते हो तो कैपकट को पहले किसी VPN से कनेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हम उस पार्ट को एडिट करेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, तो मैं उस पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले यहाँ पर आकर मैं इस लेयर पर क्लिक करके एंड यहाँ से स्लिप पर क्लिक करके इस पीछे के पार्ट को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर से इस पर क्लिक करके एंड यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे और प्रो पर क्लिक करके यहाँ से हम 9:16 पर क्लिक करके अब अपने वीडियो को इसके बीच में ले आना है कुछ इस तरीके से, और जितना छोटा हो सके इस तरह से छोटा कर लेना है और बीचों बीच में ऐसे सेट कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा चलाकर दिखाता हूँ। अब फिर से यहाँ पर कट लगाना है, जैसे कि ये क्लिप खत्म हुआ और दूसरा क्लिप आएगा ये जया किशोरी जी आ गए, तो यहाँ पर अपन को एक स्लिप मारना पड़ेगा, ठीक है। और फिर से इधर स्क्रॉल करके एंड यहाँ एडिट पर क्लिक करके क्रॉप पर क्लिक करके यहाँ से इनको भी यहाँ बीचों बीच में ले आना है, ठीक है। इस तरह से आराम आराम से कट लगा लेना है और बेकार का हिस्सा है उसको डिलीट कर देना है। अब जो पार्ट बचा है उस पार्ट पर क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा वीडियो चलाकर दिखाता हूँ। इंसानों के बीच निस्वार्थ प्रेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर आप कहें तो कृष्ण और अर्जुन के बीच निस्वार्थ प्रेम था, उनको कोई स्वार्थ नहीं था। अब अपना वीडियो तो यहाँ पर बन गया है, अब बारी आती है अपने को यहाँ पर कैप्शन लगाने की। कैप्शन अपन 2 तरीके से लगाएंगे। पहले तरीके से अपन AI की मदद से ऑटोमेटिक कैप्शन जनरेट करेंगे, तो इसके लिए अपन यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ एक्सपर्ट पर क्लिक करते हैं। अब डायरेक्ट आ जाना है प्ले स्टोर पर और यहाँ सर्च में लिखना है ऑटो कैप्शन, ठीक है। ऑटो कैप्शन लिखते ही ऑटोमेटिक सबटाइटल्स कैप्शन वाले ऐप्स पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर यह पैसे मांगने के कह रहे हैं, लेकिन यहाँ से इसको क्रॉस कर देते हैं और यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं और अभी अभी जो अपन ने वीडियो बनाया है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ ऐड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ कोने में 3 डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ से ऑटोमेटिक सबटाइटल्स पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ से फिर से इस राइट वाले निशान पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से अपन लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अपन करेंगे इंग्लिश इंडिया, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ जनरेट सबटाइटल्स पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर अपने को हिंदी और इंग्लिश पूछ रहा है, मैं चेंज लैंग्वेज टू हिंदी पर ही क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कैप्शन जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर अपने कैप्शन जनरेट होकर तो आ गए हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे हिंदी में आए हैं। इसको अपन इंग्लिश में करेंगे, तो यहाँ ऐड सबटाइटल्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ कोने में 3 डॉट पर क्लिक करते हैं और यहाँ ट्रांसलेट सबटाइटल्स पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम नीचे आएंगे और नीचे आएंगे और अपने इंडियन हिंदी पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ ट्रांसलेट सबटाइटल्स पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 30 सेकेंड्स लगेंगे, हिंदी टाइटल्स को इंग्लिश में जनरेट कर देगा, ठीक है। अब इसकी सबसे बढ़िया बात ये है, जो भी फ़ॉन्ट ट्रेंडिंग में चलते हैं वो फ़ॉन्ट अपने आप ये सबसे फर्स्ट में रखता है, ठीक है। एंड यहाँ नीचे आकर के फ़ॉन्ट साइज पर क्लिक करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज को थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा लेता हूँ और यहाँ ऐड सबटाइटल्स पर क्लिक करते हैं। अब ये जो यहाँ पर टेक्स्ट है इसको अपन को नीचे लाना है, इन पर क्लिक करते हैं और पकड़ पकड़ कर यहाँ पर नीचे सेट कर लेना है, ठीक है। अब इसको सेव करने के लिए यहाँ कोने में 3 डॉट पर क्लिक करके एक्सपर्ट वीडियो पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है।
अब हम तीसरे स्टेप्स में देखेंगे कि टेक्स्ट को दो कलर में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं कैपकट में और कैपकट में उसी वीडियो को ले लेते हैं जो अपन ने पहले एडिट किया था। वीडियो में आकर पहले वीडियो की वॉइस को सुनते हैं। दो इंसानों के बीच निस्वार्थ प्रेम हो सकता? यहाँ पर पहले अपन एक लाइन लिखेंगे दो इंसानों के बीच। टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ से अपन लिखते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ स्टाइल्स पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ से अपने को सारे ऑप्शन मिल जाएंगे फॉन्ट्स का। फॉन्ट्स नहीं आ रहा है, इंटरनेट इसको सही से नहीं मिल रहा है, तो मैं सिर्फ स्टाइल्स पर आता हूँ। इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका अपन कलर कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर लिख रखा है दो इंसानों के बीच, तो मैं इंसान को सिलेक्ट करता हूँ। इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इस येलो वाले कलर पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब दूसरी लाइन लिखनी है दो इंसानों के बीच। यहाँ पर बोला दो इंसानों के बीच। ठीक है, तो अपन यहाँ पर इस पर कट लगाएंगे, यहाँ स्लिप करेंगे और यहाँ से इस वाले पार्ट को डिलीट कर देते हैं। अब लिखना है निस्वार्थ, तो एड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं। इसको भी लिखने के बाद यहाँ स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ से प्रेम को सिलेक्ट, येलो वाले कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आराम आराम से एक एक शब्द को सुन सुनकर लिख लीजिएगा। बस इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अगर जिसको बनाना होता है वो मेहनत करने से नहीं डरते हैं। अब इसको सेव करने के लिए बस यहाँ एक्सपर्ट पर क्लिक करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। इस तरह के शॉर्ट पॉडकास्ट आप दिन में 10 से 15 बना सकते हो और YouTube पे अपलोड कर सकते हो, जिससे आपका चैनल बहुत तेजी से ग्रो हो सकता है।